नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपका भाई आलोक कुशीनगर से चलकर जखनी चौराहा आया हुआ है और आपको आज बताएगा कि 1000 लीटर आरओ प्लांट में एक्चुअली क्या क्या सेटअप होता है। और बने रहिए वीडियो के साथ, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, 1000 लीटर आरओ प्लांट में सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो होता है नल बोर या समरसेबल का होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, नल लगा हुआ है, नल से डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए टुल्लू मोटर, दूसरा आपका टुल्लू मोटर का हो जाएगा। आपका टुल्लू मोटर होना चाहिए 1 HP या 2 HP, जितना आप लगवाना चाहें उतना लगवा सकते हैं। आपके ऊपर है, आपकी पानी सतह कितना नीचे है वो आपके ऊपर है। देना से आप ले सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से पाइप होते हुए गया है हमारी टंकी में, पानी यहीं से डायरेक्ट आया हुआ है। देख लीजिए इस टंकी में, ये हमारा 500 लीटर का टंकी है जो कि पानी स्टोर करने के काम करती है। आपका दो टंकी की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो ये लगेगी और दूसरा आपका ये लगेगा। एक आपका आरओ प्लांट का हो जाएगा जो आरओ स्टोर करने के लिए होगा, आरओ पानी, और एक जो है आपका जो ज़मीन से निकलेगा उसको स्टोर करने के लिए हो जाएगा। यहाँ से चालू होती है हमारी कंपनी की लाइन। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी पाइप जो है निकला हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट अब चलेंगे वहाँ पर। बहुत ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये टुल्लू मोटर का है रिक्वायरमेंट जो कि लोबी किलोस्कर CRI हमको लगता है कि कंपनी देती ही है। जहाँ पर भी हम देखें वहाँ पर लोबी किलोस्कर CRI यही सब का है। ये आपका लोबी का है, यहाँ से आप आ जाएंगे सीधा, ये आपका हो जाएगा मल्टी फुटवाल से तो ये आपका हो जाएगा बेसल, जो कि यहाँ पर 2 बेसल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं 2 बेसल है, एक में कार्बन और एक में मीडिया पड़ता है। छोटे छोटे कंकड़ के कुछ कण होते हैं। अगर हम बेसल की साइज की बात करें तो ये आपकी 1465 की साइज होने वाली है आपकी बेसल की। और यहाँ से होते हुए हम आ जाएंगे, आपकी लाइन सीधा बढ़ चुकी है यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका बिग बाउल, यहाँ पर 2 बिग बाउल लगे हुए हैं, देख सकते हैं, बिग बाउल फिल्टर बोला जाता है इसको। फिर यहाँ से होते हुए हमारी लाइन बढ़ेगी, सीधा आ जाएंगे यहाँ पे हम लोग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा हाई प्रेशर मोटर। हाई प्रेशर मोटर जो है आपका CRI का हो जाएगा, लोबी किलोस्कर CRI HP यही कंपनी देती है, अक्सर मैं देखा हूँ। ये आपका CRI हो जाएगा। एक्चुअली उधर जाने की जगह नहीं है तो हम यहीं से बताने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ से हमारी लाइन जो है बढ़ेगी, फिर यहाँ तो होते हुए आ जाएंगे हम सीधा यहाँ पे। आपका देख सकते हैं, ये आपका हाउसिंग है, 2 यहाँ पे हाउसिंग लगा हुआ है और एक में 2 मेम्ब्रेन है, यानी कि 4 मेम्ब्रेन आपको मिल जाएंगे 1000 लीटर आरओ प्लांट में। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पानी को एक्चुअली जो फिल्टर करते हैं वो मेम्ब्रेन ही सबसे अच्छी होती है, जो कार्य इसमें करती है मेम्ब्रेन का ही होता है। फुल रिक्वायरमेंट यही है। और आपको बता दें कि डिजिटल पैनल के बारे में, ये आपका 2 फ्लो मीटर हो जाएगा, देख सकते हैं। ये आपका एक रिजेक्ट बताएगा और ये आपका एक आरओ बताएगा, कितना रिजेक्ट आ रहा है, कितना आरओ आ रहा है। और ये आपका प्रेशर वॉच हो जाएगा, मशीन कितनी प्रेशर में चल रही है ये आपको बता देगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 तक है। और आप इधर आ जाएँ तो इधर भी 0, 50, 150 के आसपास, 250, 300 के आसपास लिखा हुआ है इसमें, देख सकते हैं आप लोग। घड़ी जितने पर रहेगी समझ लीजिए आपकी मशीन उतने ही स्पीड में चल रही है, उतनी प्रेशर में चल रही है। और यहाँ से हम लोग सीधे आ जाएंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं आपका हो जाएगा पैनल, जिसे डिजिटल पैनल बोला जाता है, स्टार्टर भी बोला जाता है इसको। इसमें आपको कुछ समझा देते हैं हम, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका चालू होगा रेड वाले बटन से आपका पूरी मशीन। और यहाँ आप देखते हैं लिखा होगा राव वाटर, जैसे यहाँ पे लिखा है राव, राव का मतलब होता है छोटा वाला मोटर। जो वहाँ पे छोटा वाला मोटर दिखाए थे ना अभी, वो इससे चालू होगा। और HPP का मतलब होता है बड़ा वाला मोटर, HPP का मतलब हो जाएगा आपका बड़ा वाला मोटर। बड़ा वाला मोटर का मतलब ये हो जाएगा आपका, इससे स्टार्ट हो जाएगा बड़ा वाला मोटर।
और फिर मान लीजिए आपको मशीन को बंद करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप HPP को बंद कीजिएगा, फिर आपको रॉ वाटर बंद होगा। मैनुअली को नहीं छूना है, नहीं तो आपका मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। उसके बाद से बंद करने के बाद फिर आप रेड बटन डालकर पूरे मशीन को ऑफ कर। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको भी लेना है अगर RO प्लांट तो हम डिस्क्रिप्शन में कुछ अपना नंबर डाल देंगे जो कि कंपनी का है, आप जाकर वहाँ से संपर्क कर लीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you.